दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त नदीम मार्वल क्रिकेट चैनल के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वीलॉग है, आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, वो ये था कि आज भावलपुर के अंदर जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन टेम्परेचर जो है ना वो 41 तक पहुँच चुका है। तो मैंने कुछ काम ये किया कि मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड्स के लिए। यार गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो सीन कुछ ये हुआ कि यहाँ से इस साइड से ना, ये इस साइड से यहाँ से ये था खाली, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो धूप आती थी सीधी। यहाँ से अगर आप ये नीचे देखें तो ये सारी जो है ना ये केजेस तक आती थी। तो मैंने किया ये कि इसको मैंने यहाँ पे ये शीट लगा दी। ये गत्ता पड़ा हुआ था, गत्ते का पीस पड़ा हुआ था, ये मैंने इसके साथ ये जो है ना ये शीट लगा दी। तो अब जो है ना वो छाँव जो है ना वो कदरे बेहतर है। इस साइड पे आ रही है थोड़ी सी, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है ना वो हम इस साइड से इसको कवर करने की कोशिश करें, तो प्रॉपर ये बेहतरीन सेटअप हो जाएगा बर्ड्स के लिए। अच्छा, तो अभी ये वाली फ़ीमेल जो है ना ये मटकी में जाना शुरू हो गई है यहाँ पे, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये एग ले कर देगी। तो जैसे ही ये एग ले करेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दूंगा अपने व्लॉग के अंदर। तो दोस्तों, लास्ट मेरी जो वीडियो थी वो ये थी बजीज़ के हवाले से, कि बजीज़ के अंदर जो है ना वो मेल फीमेल जो है ना वो डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए। तो अगली वीडियो का जो मेरा टॉपिक होगा वो मैं बनाऊँगा अपने भाइयों के लिए कि फ़िशर्स के अंदर यानी कि लव बर्ड्स के अंदर मेल फीमेल का पता करना, ठीक है। क्योंकि डेफ़िनेटली आप लोग जो है ना बजीज़ के बाद फ़िशर्स पे या लव बर्ड्स पे मूव करते हैं, तो इसके लिए जो है ना वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना लाजमी है कि आपको मेल फीमेल का पता हो, ताकि आप इजीली इनसे ब्रीड ले सकें, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि मैं इसके लिए जो है ना वो एक स्पेसिफ़िक वीडियो भी बनाऊँ जिसके अंदर आपको ये पता चल सके कि लव बर्ड्स का डाइट इनकी क्या है समर के अंदर, और विंटर के अंदर इनकी डाइट क्या है, और दूसरी बात ये कि इनके अंदर मेल फीमेल का डिफरेंस क्या है, और इनसे ब्रीडिंग कैसे लेनी है, कब इनको मटकियां वगैरह आपने प्रोवाइड करनी है, और केजेस इनके जो है ना वो किस तरह के होने चाहिए। ये सारी डिटेल आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मुझे आपसे थोड़ा सा मशवरा जो है ना वो रिक्वायर्ड है, वो इस हवाले से कि आप ये सामने ये वाली जगह देख रहे हैं इस दीवार से लेके और यहाँ तक, तो मुझे बताएं, एक तो मैं यहाँ से इस वाले जो है ना वो पोर्शन को कवर कर लूँगा, ये यहाँ पे सारी छाँव आ जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ा सा बताएं, गाइड करें कि मैं ये जो हमारा एरिया है, मतलब यहाँ से लेके मैं इस दीवार तक, यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी बाड़ लगाऊंगा। वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है उस हवाले से, मैं एक छोटी सी बाड़ लगाऊंगा। बाड़ लगा के मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे कौन से और कुछ परिंदे या जानवर जो है ना वो यहाँ पर रखूँ। मुझे थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करें, और मुझे आप लोग बताएँ कि मेरे लिए कौन से यहाँ पर पैट्स जो है ना वो होने चाहिए। और ये एरिया यहाँ पे ऑलरेडी, थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि ऑलरेडी जो मेरे ये पेयर्स हैं लव बर्ड्स के और ये ऑस्ट्रेलियन के, ये कॉकटेल के, ये जो दाने का कचरा होता है सारा, ठीक है, वो यहाँ पे मैं इस साइड पे यहाँ पे फेंक देता हूँ, तो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। मेरे ऑप्शन में तो यहाँ पर जो है ना वो जो गोल्डन हैवी बफ मुर्गियाँ हैं वो थी, और बाकी आप मुझे बता दें कि यहाँ पर कौन से होने चाहिए। ये आप लोग भाई जो है ना वो कमेंट करके मुझे लाजमी बताएँ कि यहाँ पे मैं कौन से यहाँ पेट्स रखूँ और बर्ड्स रखूँ, या कुछ भी जो आपके जहन में आता है रैंडमली, जो भी आपको जो चीज़ पसंद है मुझे बताएं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ के अंदर, ये एरिया के अंदर उस चीज़ को कवर करूँ। थैंक यू।